हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। सो गाइस, अभी आज हम मैं आपको बताने वाला हूँ हमारा डेली रूटीन। तो अभी उससे पहले सबसे पहले तो हम हमारे वाइट एप्रन को प्रेस कर लेते हैं, क्योंकि कल संडे था तो हमने उसे धोया था, मतलब वॉश किया था। तो उसे प्रेस करने के बाद अभी निकलते हैं कॉलेज के लिए। गाइज, कल का संडे बर्बाद करने के बाद अभी आज है मंडे। तो आज हम निकले हमारे रेगुलर कॉलेज के लिए। तो आज हम जा रहे हैं कॉलेज के लिए। कल छुट्टी थी, कल सबने कुछ नहीं किया, सिर्फ सो देखिए हमारे ऋषि भाई भी आ रहे हैं, सब जन आ रहे हैं वैसे भी। वाओ, इट्स गुड नाइट। कैसे जा रहे हैं, वेट कर रहे क्योंकि बस तो लगता है अभी तक नहीं आई हमारी। जैसे कि देख रहे होगे आप मेरे पीछे, मेरे दोस्त सब खड़े हुए, हम सब बस का इंतज़ार कर रहे हमारे लिए। जैसे कि आपको पिछले ब्लॉग में बताया था, तो शायद नहीं बताया होगा, हमको यहाँ से मतलब हॉस्टल से कॉलेज तक छोड़ने के लिए हमारी बस आती है। तो अभी सब हम सब उसका इंतज़ार कर रहे हैं। गाइस, अभी बस आ चुकी है, सब जन वेट कर रहे हैं अंदर जाने के लिए। देखिए सब जन बातचीत करते हुए भाई, इसको सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू भाई। अरे यार, तो गाइस देखिए अभी हम
सब बैठ चुके हैं बस हमारे स्कूल बस में आने के लिए अंदर, और अभी हम सब निकल चुके हैं हमारे कॉलेज के लिए। तो हमारा कॉलेज है मतलब जीएमसी गोंदिया वहाँ पे है, वो देख रहे होगे पीछे बिल्डिंग। लेकिन हमारा मतलब हम जो फर्स्ट ईयर के हैं वो हमारा हमारे क्लासेस BGW में होते हैं, देख रहा हूँ। वो उसका फुल फॉर्म भाई गंगा भाई वुमेन्स हॉस्पिटल है, तो अभी हम सब जन वही जा रहे हैं। तो गाइज अभी हम BGW के कैंपस में आ चुके हैं और सब जन जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ कॉलेज के लिए। गाइज अभी कॉलेज में आ गए तो हमको सबको वाइट एप्रॉन पहनना पड़ता है, तो अभी हम सब जा रहे हैं वाइट एप्रॉन पहन के हमारे क्लास के लिए। तो गाइज अभी दोपहर के 12 बजे है और देखिए हमारे विलेश भाई, सुशांत भाई और सब हमारे भाई लोग अभी खाना खा रहे हैं, तो दिखाता हूँ आप सभी को। अभी दोपहर का खाना तो हो चुका है, वैसे सुबह जब आया था तो बहुत जल्दी थी लेक्चर के लिए, थोड़ा लेट हुआ था तो ना कुछ बता नहीं पाए, तो अभी बताता हूँ। अभी हमारा 9 से 12 बजे तक थियरी लेक्चर्स रहते हैं, उसमें एक 12 से 1 बजे तक इंटरवल रहता है जिसमें हम सब मिलकर टिफिन खाते हैं जो कि आपने देखा अभी, और फिर 1 से हमारे प्रैक्टिकल रहते हैं 1 से 5 बजे तक, मतलब 2 आवर्स के 2 प्रैक्टिकल, वो भी अलग अलग सब्जेक्ट के, और हमारे बैच को उसमें डिवाइड करके अलग सेक्शन में भेजा जाता है। तो अभी हम थोड़ी देर में उसके लिए जाएंगे प्रैक्टिकल के लिए, तब तक बाकी सब जने बैठे हुए हैं, तो ठीक है। अभी प्रैक्टिकल के वक्त तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, और जैसे कि आपको आपने देखा अभी क्लास के समय भी आपको मैं नहीं दिखा सकता, क्योंकि ऐसा शूटिंग के लिए आलो नहीं है कॉलेज में। तो अभी मिलते हैं 5 बजे के बाद। तो गाइज अभी क्लास छूट गई है, अभी 5 बजे है और हमारी क्लास छूट गई है, तो अभी हम सब फिर से जा रहे हैं बस की तरफ और हॉस्टल के लिए जाने के लिए। देखिए मेरे फ्रेंड्स
हेलो ब्रो। और बाकी भी जा रहे तो चलो अभी जाते हैं बस की तरफ। तो गाइस देखिए हमारे जैन भाई जो कि नागपुर के ले गए थे, कल संडे था इसलिए नागपुर से आ गए हम वापस। और अभी हम सब फिर आपको बोला ही था जा रहे अब बस की तरफ, तो चलो। तो गाइस अभी बस के पास आ चुके हैं, सब जन जा रहे हैं बस के अंदर। चलो चलते अंदर। अभी बैठ चुका हूँ मैं मेरे सीट पे, मेरे साथ मेरा दोस्त विवांशु है और अभी हम निकलने वाले हैं हमारे हॉस्टल के लिए। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं और सब बस से नीचे उतर रहे और अभी मैं भी उतरूंगा। गाइस अभी 6 बज रहे हैं तो लेट क्यों हुआ, क्योंकि दो चार हमारे फ्रेंड नहीं आए थे बस के लिए, थोड़ा लेट हो गए इसलिए अभी सब जा रहे हैं हमारे होटल के लिए और मैं भी जा रहा हूँ उनके पीछे पीछे। चलो तो गाइस अभी हॉस्टल पे पहुँच चुके हैं, वो अभी थोड़ी देर में फ्रेश वगैरह होंगे और खाने का मतलब टिफिन आने के लिए इंतज़ार करेंगे, फिर देखते हैं क्या करते हैं। तो गाइस जैसे कि आपको बताया था कि अभी कॉलेज आकर मैं फ्रेश हो चुका हूँ, अभी बैठा हूँ। तो गाइस इस तरह मेरा डेली रूटीन चलता है यहाँ पे अभी कॉलेज में, और अभी थोड़ी देर में टिफ़िन वाले अंकल आएंगे, वो टिफ़िन देंगे। अभी टिफ़िन खाने के बाद थोड़ी देर दोस्तों से बातचीत करने के बाद थोड़ी स्टडी करेंगे थोड़ी देर, फिर हम सो जाएंगे। और ऐसे रूटीन चल रहा है अभी तो, क्योंकि अभी उतनी पढ़ाई शुरू नहीं हुई है, मतलब टीचिंग उतनी स्टार्ट नहीं हुई है, मतलब अभी जो इनिशियल टॉपिक्स है वो तो हमको 11th 12th में हो चुके हैं, तो उतनी स्टडी नहीं है अभी, पर बाद में बहुत पड़ेगी, लेकिन तब तक हम प्रिपेयर हो जाएंगे। और अभी अभी ब्लॉग को एंड कर देते हैं, तो अभी ऐसे ब्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आपके अगर कोई जूनियर है तो उनको बताइए, क्योंकि अगले साल वो भी आएंगे तो उनको तो आसान हो